आज हमारे पास आ चुका है पोको का M3 जो कि अभी नया लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको आज अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इसकी कुछ डिटेल बताऊंगा और देखेंगे फोन किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, इसका डिजाइन हमें किस तरीके से देखने को मिलता है और क्या है खासियत इस फोन की, आइए देखते हैं पोको M3। उत्तराखंड है नाम यहाँ का, राजधानी देहरादून में, लोग यहाँ के सीधे साधे ना फौज किसी के खून में, जो भी आता यही बोलता भाई ये तो स्वर्ग है। सामने की तरफ से देखें तो M3 करके ऐसा डिज़ाइन दिया गया है, जहाँ पे नीचे इंडियाज नंबर वन ब्रांडिंग दी गई है, ऊपर से पोको लिखा गया है और अगर हम साइड की बात करें तो पोको M3 लिखा गया है और बैक साइड की अगर हम बात करें तो पोको M3 और उसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे 6000 mAh बैटरी, 48 MP ट्रिपल रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर और यहाँ पर ये 6GB 64GB वेरियंट है और नीचे आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया का टैग लगा हुआ है। तो ब्रेक करते हैं इसकी सील और देखते हैं अनबॉक्सिंग करके क्या क्या हमें इसमें देखने को मिलता है अंदर से। इस कंपनी का कहना है कि इसमें आपको 6GB 64GB मिनिमम वेरिएंट वाला यहाँ पर पोको M3 मिलेगा, जिसको आप एक्सटेंडेबल कर सकते हैं 512GB तक। और इसमें अगर हम कुछ इसके फीचर्स की बात करें तो 6.53 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है और ट्रिपल रियर कैमरा के साथ ही आता है और सेल्फी कैमरा भी 8 MP का दिया गया है और 6000 mAh की बैटरी है इसमें और स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर है। तो खोल लेते हैं इसे, देख लेते हैं अंदर से क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पोको करके एक येल्लो बॉक्स यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर हैंडसेट देखने को मिलता है उसके नीचे। बॉक्स को खोल के देखते हैं तो इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा ये भी देख लेंगे। पोको M3 कुछ नया सा डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसे निकाल के देख लेते हैं। ब्लू कलर का हमने वेरिएंट मंगाया था यहाँ पर, कूल ब्लू, जिसको कलर का नाम दिया गया है कूल ब्लू और फ़ोन सामने से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। बैक साइड की बात करें तो कुछ अलग सा नया सा डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलता है पोको M3 में और यहाँ पर जो कूल ब्लू कलर जिसको बोलते हैं वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। थोड़ा लेदरी यहाँ पर बैक पैनल देखने को मिलता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा अलग सा फील कराएगा ये प्रीमियम टाइप। और इसमें अगर देखें तो फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ यहाँ पर पावर बटन दिए गए हैं, ऊपर की तरफ देखें तो हेडफोन जैक, सेकेंडरी माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल भी दिए गए हैं, नीचे की तरफ देखें तो स्पीकर ग्रिल और चार्जर पॉइंट और माइक्रोफोन दिया गया है। कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन देखने को मिलता है, इसको फटाफट बूट कर लेते हैं और देखते हैं बाकी चीज़ें इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलती है। तो जब तक ये बूट होता है देख लेते हैं बॉक्स में और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक USB केबल और चार्जर देखने को मिलता है नीचे, तो USB टाइप सी दी गई है यहाँ पर। और इसके चार्जर की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपका 18 वॉट का चार्जर है। तो बॉक्स में आपको यहाँ पर 18 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। और अगर कुछ और देखें तो कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया नहीं गया है। येलो बॉक्स को थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। एक सिम इजेक्टर पिन यहाँ पर है, टूल, यूज़र गाइड है, सॉफ्ट केस एक हमें देखने को मिलता है इसमें, जो कि आपके फ़ोन को सुरक्षित रखेगा यहाँ पर डैमेज होने से। और यूज़र गाइड मैनुअल हैं तो आप इसके जानकारी कुछ इससे ले सकते हैं। सॉफ्ट केस जो कवर है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है नॉर्मली, जैसा कि सभी फ़ोनों में आजकल आने लगा है वैसा ही पोको ने इसमें भी दिया है, तो इसको आप लगा के रख सकते हैं फ़ोन के साथ। तो MIUI 12 दी गई है, फटाफट से इसे बूट कर लेते हैं। तो सेटअप हो गया है कंप्लीट हमारा और देख लेते हैं इसमें ऐप अब क्या क्या देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो भी बैन हुई है ऐप इंडिया में वो सब हटा दी गई हैं MI द्वारा। तो पोको जो है वो MI का ही सब ब्रांड है, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
तो हम इसका इंटरफेस देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है MIUI पे डिपेंड। और ये देख सकते हैं आप MIUI 12 दी गई है। और इसका अगर हम एंड्रॉयड वर्ज़न देखें तो 10 दिया गया है। तो एंड्रॉयड 10 पर चलता है ये, और कंपनी इसमें अपडेट देती रहेगी ऐसा कंपनी ने बोला है। तो आप ज़रूर से देख सकते हैं इस फ़ोन को। अभी बाकी फीचर्स मैं आपको इसके दिखाता हूँ कुछ। तो ये अब इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड इसको आप करेंगे तो सारी ऐप एक साथ निकल जाएंगी। कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है इंटरफेस। अब इसके कैमरा की अगर हम बात करें जो कि 48+2+2 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो इसमें भी प्रो मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड ये सब देखने को मिल जाते हैं जैसा कि नॉर्मली मिलता है। और मोर पे जाके नाइट मोड, 48 मेगापिक्सल, स्लो मोशन, ऐसे यहाँ पर टाइम लैप्स, ये वाले फीचर्स जाके देखने को मिलेंगे। सेम यही अगर आप सेल्फी कैमरा में यूज़ करते हैं तो सेल्फी कैमरा में भी यही सारे फंक्शन हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, इसमें भी सेम वैसे ही है। प्रो मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड और यहाँ पर मोर, तो सारे फंक्शन वही हैं जो कि प्राइमरी कैमरा में है। कुछ सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसी फ़ोन से मैंने लिए हैं, जिससे कि आपको लगभग इसके कैमरे का लग जाएगा कि कितना इफ़ेक्टिव है ये आपके लिए। तो देख सकते हैं आप पोको का ये बॉक्स का मैंने शॉट लिया है नज़दीक से पोर्ट्रेट मोड में। ये आउटसाइड की कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि पोर्ट्रेट मोड में भी ली है मैंने, और सिंपल फ़ोटोज़ भी ली हुई हैं। तो फोकस काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है मुझे इस फ़ोन में। तो पोर्ट्रेट मोड में अच्छी फ़ोटो ले लेता है, कैमरा काफ़ी अच्छा इस रेंज में देखने को मिला है। तो यही सब था इस पोको M3 में, जो कि 6000 mAh बैटरी के साथ आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन के 662 प्रोसेसर के साथ। तो मुझे तो काफ़ी सही लगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको यह फ़ोन कैसा लगा है। और देख सकते हैं आप बजट रेंज में ये फ़ोन आप ख़रीद सकते हैं अगर आपको यह सही लगे तो। कुछ फीचर्स के हैं बैक साइड पर, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर से ले सकते हैं इसको। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन दबाइए।